सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज तुम्हारा भाई थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है, और क्योंकि भाई बाल वाल छोटे करा रखे हैं, तो आज कुछ नया लुक है। तो नए लुक के साथ एक नई बाइक भी हमारे साथ, आप देख ही सकते हो, क्लासिक 350 भाई, जो कि काफ़ी डिमांडिंग बाइक थी एक टाइम और आज भी है भाई। आज का इसके साथ वीडियो क्या होने वाला, वीडियो भाई आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल देख के। तो वीडियो होने वाला इसका रिव्यू करेंगे पूरा, क्या सिस्टम इसमें, पूरा मॉडिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो भाई चलते हैं एक एक करके भाई, सारी चीज़ें आपको बताते हैं और कॉस्ट क्या है सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो के अंदर पूरा बने रहिए, और फटाफट से चैनल भाई सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भाई वीडियो ज़्यादा शेयर करना भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट लुक की। तो भाई फ्रंट लुक से कुछ बाइक ऐसी लगती है, और फ्रंट में लगा इसके भाई आप देख सकते हो, आफ्टर मार्केट आप कस्टम बोल सकते हो, जैसे कि कस्टमाइज पूरी हेडलाइट है। इसका हेडलाइट का लुक भाई कुछ ऐसा आता है जिसमें रेड कलर का बॉस लिखा हुआ आ जाएगा। ये भाई लो बीम है, हाई बीम है, और ये DRL है भाई। लुक कुछ ऐसा आ रहा है, आप देख सकते हो पासिंग में, आप ये चीज़ें आप नोटिस कर रहे होगे, पास जब आप करते हो तो भाई हाई बीम जल्दी है, और इसमें मिनी ड्राइव का लग रखा है भाई, जो कि ओरिजिनल तो खैर है नहीं, बाकी थ्रो इसका भाई काफ़ी अच्छा है। फ्रंट पे क्या क्या और चीज़ें हो रखी है, इसका मैं प्राइस बता दे रहा हूँ सबसे पहले हेडलाइट का, जो कि भाई 1800 के 2000 के बीच में आ जाती है ये हेडलाइट, जो कि आप बॉस लाइट बोल सकते हो इसे, और मिनी ड्राइव खैर तो 500-600 के आसपास आ जाती है। और अब बात करते हैं इस चीज़ की भाई, ये चीज़ आप देखना, ये देखो भाई ये रेड कलर का रॉयल इनफील्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख ही सकते हो भाई। और इसका जो ये चीज़ होने वाला भाई, ये पूरा स्टील का होने वाला है, ना कि कोई जंग लगने वाला, कुछ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्राइस इसका भाई वही 400-500 के आसपास आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें भाई बाइक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है, रात में भाई जब चलती है ना, ये सब सारी चीज़ें अच्छी लगती है जब चलती है रात में। तो भाई अब बात करते भाई इसके एलॉय व्हील की। तो भाई एक बार एलॉय देखो इसके, तो इतने ये कितने स्पोक्स के हैं भाई, ये तो मुझे खैर पता नहीं है, बाकी उस टाइम का जो इसका कॉस्ट था ना, वो लगभग 5-6 हज़ार के, मतलब 5-6 हज़ार के बीच में आ जाता था उस टाइम 2018-19 के बीच में। तो आप देख ही सकते हो इसका लुक, देखो एक बार, इसमें छोटे छोटे से देख सकते हैं एलंकी टाइप इसके नट बोल सके वो, जो कि कोई काम है नहीं इसका, बस ये लुक के लिए बना रखा है। और इसका डायमंड का एलॉय व्हील आता है भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये देखो इसका, इसमें भाई जहाँ से हवा भरी जाती है इसमें भी कस्टमाइज हो रखा है, तो आप देख ही सकते हो, मतलब कि आप एक चीज़ नोटिस करो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मॉडिफिकेशन हो रखी इस बाइक मैंने, क्या ही बताऊँ, मतलब कि कम प्राइस में अच्छी चीज़ें हो रखी है इसमें। और नीचे आ जाओ, आप दिखा देते हैं भाई इंजन के, मतलब कि कीचड़ वगैरह के लिए ये है समगार्ड भाई, जो कि इसमें क्लासिक लिखा हुआ है, ये भी आफ्टर मार्केट ही है, उस टाइम कंपनी वगैरह कुछ नहीं देती थी, ये पूरा खाली खाली सा आता था, तो ये भाई काफ़ी अच्छा लुक भी देता है और इंजन भी प्रोटेक्ट करता है भाई कीचड़ वगैरह से। तो गाइस अब बात करते हैं, थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह हो रखी है इंजन के नीचे भी, जो कि भाई काफ़ी अच्छी लगती है, एक बार दिखा दे रहा हूँ आप देखो, जब मैं ब्रेक मारूंगा ये देखो भाई, मतलब कि इस इंजन का भाई जो रात में भाई लाइट जलती है ना, काफ़ी अच्छी निकल के आती है लाइट। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो आप लोग, ये भी छोटी सी एसेसरीज है रॉयल इनफील्ड की, जो कि भाई काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि इसका जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, रेड कलर से ज़्यादा मतलब मैच हो रखा है, तो इसकी चीज़ मतलब ये सब चीज़ें भाई काफ़ी अच्छी लगती है। और स्टीकरिंग की हम बात करें तो भाई स्टीकरिंग यहाँ पे देख सकते हो, ये सब सारी चीज़ें कम पैसे में बढ़िया सा मॉडिफिकेशन कर रखा है इसमें, आप देख सकते हो RE लिखा हुआ, मतलब रॉयल इनफील्ड, और यहाँ पे क्लासिक इसका जो इंजन साइलेंसर कवर आता है बढ़िया सा, और इसका एग्जॉस्ट बता दे रहे हैं, एग्जॉस्ट आप देख सकते हो पूरा लुक पैरेलल कुछ ऐसा आता है, और इसमें कस्टमाइज हुआ है, ये चीज़ कस्टमाइज हुई है इसकी भाई, जो कि क्लासिक इसमें लिखा हुआ है, ये क्लासिक लिखा हुआ है, ये ऊपर का जो पार्ट है ये चीज़ आप देख सकते हो स्टील से और ब्लैक का, ये पूरा पार्ट्स अलग से लगाया गया इसमें, जो कि इसमें नहीं आता था। और साइलेंसर की हम बात करें तो भाई इसकी कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट वही लगभग 2000 के अंदर ही आ जाता है, 1500-1800 ऐसे ही आ जाते हैं। और अब बात करते हैं भाई इसके साउंड की, तो एक बार फटाफट से साउंड सुना देते हैं कैसे साउंड निकल के आती है भाई। भाई आप साउंड सुने एक बार कैसे आ रही है, इसको भाई आप कहीं भी इस साउंड मतलब इस एग्जॉस्ट के साथ आप कहीं भी ले जा सकते हो, कोई चलान वगैरह नहीं, क्योंकि भाई इसका लाउडनेस जो है ना वो भाई काफ़ी कम है एकदम, मतलब कि ना के बराबर है, आपको फील देगा, हाँ थंब देगा कि रॉयल इनफील्ड की बाइक आप चला रहे हो बढ़िया सा। और आ जाते हैं भाई पीछे, तो इसका रेट वगैरह सारा कुछ
मैंने बता ही दिया। और आप आते हैं भाई पीछे, पीछे क्या हो रखा है भाई, पीछे आप देख सकते हो ये जो रेस्ट है पिलियन के लिए, ये बैक रेस्ट ही बोल सकते हो आप लोग भाई, जो कि रॉयल इनफील्ड का कस्टमाइजेशन आप देख ही सकते हो। ये भाई ओरिजिनल पार्ट है जो कि लगभग 1000-1200 के बीच में आई जाता होगा, तो उतने का है ही लगभग। तो भाई कम्फर्ट देखो एक बार कम्फर्ट देखो, इसकी कुशनिंग देखो आप, काफ़ी अच्छा रेस्ट इसको मिलने वाला है पिलियन को, और सीट वगैरह का भाई काफ़ी कम्फर्ट है इसकी। और कम्फर्टनेस की बात करें भाई, तो भाई रॉयल इनफील्ड कम्फर्ट के लिए जानी जाती है, और किंग बाइक बोल सकते हो आप इसे। और पीछे क्या हो रखा है आप देख सकते हो आप लोग, ये जो लाइट है, ये लाइट इसको भी ब्रेक के साथ लगा रखा है, आप देखना एक बार जब मैं ब्रेक मारूंगा तो भाई काफ़ी अच्छी लग रही होगी। ये सब सारी चीज़ें रात में काफ़ी अच्छी लगती है, अभी तो खैर दिन है तो उतना विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, बाकी रात में भाई काफ़ी अच्छी लगती है लाइट। अब बात करते हैं भाई इस साइड की, तो इस साइड भी थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन हो रखा है, ये आप देख सकते हो स्टिकरिंग, जो कि काफ़ी कम पैसे में अच्छा चीज़ लग रहा है, देख सकते हो ब्लैक पे भाई, और ये गोल्डन कलर का भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है बढ़िया। इसके टैंक ये जो रैप है ना भाई, इसके साथ मैच हो जा रहा है, और ये सब सारी छोटी छोटी मॉडिफिकेशन जो है भाई बाइक को काफ़ी अच्छी बना देती है, और मिरर वगैरह सारा कंपनी का दे रखा है भाई इसमें। तो आज का वीडियो भाई कैसा लगा एक बार फटाफट कमेंट कर देना। ये छोटा सा वीडियो भाई एक बंदे के लिए था जिसने कमेंट किया था कि, हालांकि सबके लिए है, उसने कमेंट किया भाई इसका रिव्यू लेके आओ क्या क्या बाइक में हो रखा है, तो मैंने इसलिए भाई ये रिव्यू लेके आया। और वीडियो कैसा लगा यार फटाफट से कमेंट कर देना भाई। तो सारी चीज़ें आपको इजीली भाई ऑनलाइन मिल जाएगी, आफ्टर मार्केट मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ईजिली एकदम, कोई कहीं जाना ही नहीं है, आप घर पर ऑर्डर करो आप सारे चीज़ मिल जाएगा, और कम पैसे में भाई आप अच्छी बाइक बना सकते हो, जो कि जिन भाई के पास ये क्लासिक 350 है भाई। आज का भी वीडियो यहीं एंड करते हैं भाई, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार के साथ, तो चलिए बाय बाय।